Hello students, this is the fourth lesson of the series of regression channel. We are going to select all the auto companies. Sabse pehle Eicher Motors. Eicher Motors 2015 se lekar 2018 tak, it was in a uptrend aur isme perfectly ye channel ke beech mein hi play kiya hai. जो इसकी सेंटर लाइन को आप ऑब्जर्व करें और इसकी जो नीचे लोअर बैंड है या अपर बैंड है इसको आप अगर ध्यान से देखें तो यू विल बी एबल टू फाइंड दैट इट हैज प्लेड ए वेरी गुड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट. जैसे ही इस चैनल को ब्रेक किया व्हाट वी कैन डू, वी कैन फॉर्म अनदर रिग्रेशन चैनल. उस नए चैनल को हम लोग फॉर्म करते हैं फॉर दिस Eicher Motors टिल डेट, वहां से लेकर आज तक. नाउ इट इज इन डाउन ट्रेंड फ्रॉम ऑलमोस्ट फ्रॉम 2017 टिल डेट. पिछले तीन सालों से या टू एंड ए हाफ मंथ से इट इज फॉलिंग और इसकी जो आप सेंटर पॉइंट या रेजिस्टेंस या आप स्पोर्ट लाइन आप देखें, ये सेंटर लाइन मैंने ड्रॉ की है. इट हैज मार्क्ड एज ए परफेक्ट डिवाइडर, परफेक्ट डिवाइडर. पहले ये स्पोर्ट का काम कर रही थी, देन इट वर्क्ड एज ए रेजिस्टेंस लाइन. एक दो तीन चार पांच छह लगभग सात आठ बार इट हैज टेकन ए रेजिस्टेंस ऑन दिस लाइन एंड नाउ देन इट मूव्ड अप और ऊपर उसने वापस रेजिस्टेंस बनाया. आप देखिए रेजिस्टेंस का लाइन, स्पोर्ट का लाइन और नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 times it has taken upar. Now resistance maybe it has taken a resistance and just dropped from this line also. So this channel is in play. To hamare ko is channel ko kuch bhi abhi change karne ki zarurat nahi hai, avashyakta nahi hai. To what, aur aap dekhe jo bhi iski lower band hai uske upar bhi it has taken multiple times it has taken a support. So, abhi this channel is into play. Need not to modify anything or drive anything. Or naya channel isme form karne ki abhi zarurat nahi hai. Otherwise, jo abhi niche fall aaya, iske upar you can, if you can try a new channel, new regression channel on it. Now, let's work on Maruti Suzuki. Maruti Suzuki इंडस्ट्रीज, उसके ऊपर आप देखें रिग्रेशन चैनल उस पे प्ले करते हैं. लेट्स डू इट फ्रॉम द टॉप टिल डेट. ओके टिल डेट ये फॉर्मेशन है और जो इसकी जो मीन की लाइन है, जो सेंटर लाइन है या मिडल लाइन है, इट हैज वर्क्ड एज ए परफेक्ट डिवाइडर. इसके ऊपर भी मल्टीपल रेजिस्टेंस है और जो और बीच में मल्टीपल सपोर्ट भी शुरू में है. देन उसके ऊपर रेजिस्टेंस पे भी दो बार ये ऊपर के जोन में गया, दोनों बार इसने पहली बार दो बार और दूसरी बार भी दो बार लगभग उसने रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर रेजिस्ट किया और वहां से प्राइस जोर से गिरा है. और नीचे जो लोअर बॉटम है उसके ऊपर कंटिन्यूसली इसने चार बार इट हैज टेकन ए सपोर्ट ऑन इट. लेट्स सी, जब ये 2016 की रैली चालू हुई वहां से लेकर आज तक का, इफ आई हैव टू ड्रॉ ए चैनल, अगर बड़ा इसमें सारा डाटा कवर करूं 2016 से आज तक का ऑलमोस्ट फोर एंड ए हाफ ईयर्स एंड फ्यू मंथ्स ये जो सेंटर लाइन है, इट हैज जब उसका ब्रेकआउट हुआ तो जबरदस्त रैली उसके बाद आई, डबल टॉप बनाया मारुति ने. उसके बाद जब फॉल किया और जब ये सेंटर लाइन से नीचे ड्रॉप कर गया तो देन इट इज फेसिंग रेजिस्टेंस ऑन दिस लाइन, सेंटर लाइन. ऑलमोस्ट 3-4 टाइम्स इट हैज टेकन ए रेजिस्टेंस. जो ये डाउनवर्ड स्लोप हमारा करंट ये जो रिग्रेशन चैनल चल रहा है उससे हम लोग ऑल थ्री लाइन्स उस पर ड्रॉ कर लेते हैं और जो बड़ा चैनल है उसका भी जो लोअर लाइन है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं और उसकी मिडिल लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं. देन यू विल हैव ए वेरी परफेक्ट नेविगेटर फॉर मारुति सुजुकी. आगे कहां पे ये रेजिस्टेंस लेगा और ये जो हमने इसके ऊपर एक परफेक्ट ग्रिड्स भी बन गई हैं जिन ग्रिड्स के अंदर वो दिस मारुति का प्राइस मूव कर सकता है.
जहां पे वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट अपने ले सकता है और उसको डायमंड डायमंड शेप शेप के अंदर या डाउनवर्ड स्लोप्ड फ्लैग के अंदर अगर वो मूव करता है तो दैट वे वी कैन हैव द बाउंड्रीज फॉर इट. सो वी हैव द रोड मैप एंड द नेविगेटर फॉर मारुति. लेट्स वर्क ऑन अनदर ऑटो कंपनी विच इज टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स के ऊपर अप्लाई करता हूँ. ओ माई गॉड, इट इज फॉलिंग लाइक एनीथिंग. और इसपे मैं आई कैन बेट ऑन, इसके ऊपर अगर मैं रिग्रेशन चैनल लगाऊंगा तो ये शायद इससे अच्छा रिग्रेशन चैनल किसी और स्टॉक के ऊपर नहीं फॉर्म हुआ होगा जितना इसके ऊपर परफेक्टली काम करेगा. लुक एट इट, इट इज बीन प्लेस्ड, हाउ परफेक्टली इट्स ऑनरिंग द रेजिस्टेंस एंड द सपोर्ट लाइन और मिडल लाइन और जो आपका मीन की लाइन है, जो डिवाइडर है उसको, और ऊपर से रेजिस्टेंस की लाइन को, और जो रेजिस्टेंस की लाइन है और सपोर्ट की लाइन है, इसको बहुत परफेक्टली ये ऑनर कर रहा है. और आई थिंक टाटा मोटर के ऊपर जो ये फॉर्मेशन रिग्रेशन चैनल की बनी है शायद ही किसी और स्टॉक के ऊपर बन पाए. बट इट्स वेरी परफेक्ट, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं. इस पर डाउनवर्ड स्लोप और ये इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऑलरेडी वी हैव एंड दिस मे कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम. व्हेन इट विल ब्रीच दिस चैनल एंड स्टार्ट्स अपवर्ड जर्नी तो देन वी विल मेक अनदर चैनल ऑन टाटा मोटर्स. और टाटा मोटर्स को अभी बड़े डाटा के ऊपर अगर मैं रिग्रेशन चैनल फॉर्म करता हूं, जब ये 2011 से अपवर्ड जर्नी इसने चालू की थी टिल 2015, जब ये ऊपर गया तब भी इट हैज वर्क्ड लाइक एनीथिंग. बिल्कुल आप समझे ये मिरर इमेज इसका बना है, जो ये ऊपर जाते हुए फ्रॉम 11 टू 2015 जिस तरह से ऊपर गया उसी तरह से देन इट हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम 2016 टू 17 टू टिल डेट. और पूरे डाटा को अगर प्रोसेस करता हूं तो देन वी कैन हैव ए बिगर पिक्चर विच हैज ए वेरी क्लियर डिवाइडर जिसके ऊपर देन वी कुड हैव ए बुलिश जोन विच इज ए ब्लू जोन एंड द ब्राउन एंड द लाइट ब्राउन लाइट रेड इट इज ए बियर जोन. सो जो हमारे पास अभी जो चैनल करंट चल रहा है उस चैनल के ऊपर परफेक्टली वी कैन मूव ऑन. इट्स आई थिंक जो हमने पहले मारुति सुजुकी लिया, टाटा मोटर्स लिया और उससे पहले आइशर मोटर लिया, ऑल थ्री आर्स इन ए परफेक्ट चैनल. उसमें कहीं पे भी कोई डेविएशन नहीं है. पिछले कुछ सालों से ऑटो इंडस्ट्री जो नीचे प्राइस फॉल कर रहे हैं, कहां कहां से उन्होंने सपोर्ट लिया और कहां पे उसने रेजिस्टेंस लिया, किधर से किधर की जर्नी ली है, ऑन डिफरेंट न्यूज ने जो भी इनको इम्पैक्ट किया होगा उसके बाद भी दे हैव ऑल played very well. Now let's take another company. It's TVS Motor. TVS Motor company. इसके इसको भी regression channel इसके ऊपर भी form करते हैं. Let's see how this is working. This is our fourth auto company. इसके ऊपर. Oh my God! It has also worked very well. बिल्कुल उस चैनल के ऊपर काम कर रहा है. This is the first company जहां पर first channel जो अभी तक की सब companies में पांचवा company है which we have placed, जिसके अंदर पहली बार मैंने notice किया कि center line इतनी perfectly काम नहीं कर रही है. नहीं तो ज्यादातर जितने भी अभी तक कम से कम 10-12 कंपनियों के अंदर last 4 lessons के अंदर हमने form किया. Okay, fine. Look at this. 2015 से लेकर ये जो 2018 तक की जर्नी है, इसके अंदर जो डिवाइडर है, जो सेंटर लाइन है, इट हैज प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. परफेक्टली इट हैज डन ए रिमार्केबल जॉब. इसके पूरे डाटा को भी मैंने प्रोसेस कर दिया, पूरे पे रिग्रेशन चैनल फॉर्म कर दिया. देन जो ये सेंटर लाइन है, इट हैज आल्सो वर्क्ड वेरी वेल. इससे पहले जो 2015 से 2018 का अपवर्ड जर्नी है उसके अंदर भी जो सेंटर लाइन है, इट हैज वर्क्ड वेरी वेल. All right, worked very well. और जो अभी डाउनवर्ड जर्नी है, इसमें मैं पहली बार एक कोई ऐसा चार्ट देख रहा हूं जिसके अंदर रिग्रेशन चैनल का जो सेंटर लाइन है वो परफेक्ट डिवाइडर की तरह नहीं काम कर रहा. अदरवाइज इसमें देखिए परफेक्ट, इट हैज डन ए वेरी गुड जॉब. दिस जो ये जो सेंटर लाइन है इसमें क्लियर मार्क किया है कि इधर से ऊपर गया तो खूब जर्नी अपवर्ड जर्नी आया, इसको वापस नीचे ड्रॉप किया तो एकदम बड़ा फॉल भी आया. और इस पर एक बार गिरने के बाद इसने 2-3 बार रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद गिरता चला गया. अब ये अपवर्ड जर्नी के अंदर जो सेंटर लाइन
जो मिडल लाइन मीन की लाइन जो मैंने एवरेज की लाइन जो जो ड्रॉ की है इट हैज डन ए वेरी गुड जॉब. ऑल राइट, तो दिस वी हैव डन ए स्मॉल एक्सरसाइज ऑन द ऑटो इंडस्ट्री जिसके अंदर वी कैन मार्क ऑल फोर जो ऊपर जाते हुए और वापस नीचे जाते हुए इन ए बोथ डायरेक्शंस दिस रिग्रेशन चैनल हैज वर्क्ड लाइक रॉक. सो रिग्रेशन चैनल को जितने केस स्टडीज हम ले रहे हैं उतना ही इसके ऊपर ट्रस्ट और बनता चला जा रहा है. आई थिंक वी विल टेक फ्यू मोर लेसन्स देन वी विल बी एबल टू रियली हैव सम फ्रेंडशिप और वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टूल इन ए बेटर मैनर. दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फार्मूला विच ड्राइव्स द मीन एंड द डेविएशन विच इज बेस्ड ऑन कॉफी विच इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन विच ड्राइव्स द अपर एंड द लोअर बैंड. All right, so till then we wind up for the day and we will continue our this series with more videos. Till then, good luck, goodbye, happy trading and happy investing to all my dear students and all my friends. Good luck, goodbye. Again, this video is dedicated to God. This is made for the God.